तो यहाँ तक तो ये ठीक है, दो बार और तीन बार, तीन बार डाल दिया, प्रॉपर पानी अंदर जा चुका है, क्योंकि ये जो होल है दोस्तों ये देख सकते हैं ये। हेलो दोस्तों, वेलकम टू विकास टेक्निकल आइडिया। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है एलईडी बल्ब पे होने वाली है, थंबनेल देख के आप समझ गए कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे पास तीन टाइप के एलईडी बल्ब हैं, ये हो गया हमारा आरसी ड्राइवर वाला, ये डीओबी प्लस, ये है हमारा एमसीपीसीबी वाला जो एचपीएफ ड्राइवर का होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है पानी से होने वाले, पानी में हम इन्हें टेस्ट करने वाले, कौन सा जल्दी ख़राब होता है, ये कोई सा चलता भी है या नहीं चलता है। दोस्तों पानी में तो जो आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, पानी तो इनका दुश्मन है, ये समझिए। तो दोस्तों उसी पे हम टेस्टिंग करने वाले हैं, इसके दुश्मन के साथ इसका मुकाबला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप कोई भी इसे घर पर ट्राई ना करें और हम पूरी सेफ्टी के साथ करें। देखिए हमने होल्डर वगैरह में भी इस तरीके से लकड़ी लगाई हुई है जिससे करंट वगैरह लगने का कोई खतरा ना हो। हम इसे सीरीज में स्टार्टिंग में टेस्ट करेंगे, फिर बाद में देख सकते हैं अगर डायरेक्ट टेस्ट करें, सबसे पहले हमें सीरीज में टेस्ट करेंगे, सीरीज में क्या रिजल्ट इसका निकलता है। तो सबसे पहले हम जो टेस्टिंग करते हैं, जो ओरिजिनल बल्ब है एचपीएफ ड्राइवर वाला जो ढाई से तीन साल पाँच साल चल जाता है, उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो ऐसे तो इसमें पानी नहीं जा पाएगा, देखिए इस तरीके से अगर डिफ्यूजर लगा देते हैं तो पानी नहीं जाएगा, एक बार ऐसे भी टेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद खोल करके इसे टेस्ट करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा बल्ब बिल्कुल चालू हो चुका है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले जो हम टेस्ट करने वाले थे, इस ग्लास में टेस्ट करने वाले थे, तो इसमें प्रॉपर जा तो रहा है लेकिन पानी बाहर निकल जाएगा इसमें और प्रॉपर डूब नहीं पाएगा। तो अब देखते हैं इस तरीके से क्या होता है। तो दोस्तों देखिए आप देख पा रहे हैं पानी में ये बल्ब जा चुका है, आपको इसमें नहीं दिखेगा, मैं ग्लास में ही एक बार ट्राई करके देखता हूँ सही। तो दोस्तों आप देखिए आपको दिख पा रहा होगा पानी भी और ग्लास भी और बल्ब भी। तो इस तरीके से हम डालते हैं, तो देखिए पानी ऊपर निकलने को है, देखिए यहाँ तक पानी आ चुका है इसका, ठीक है यहाँ तक देख सकते हैं पानी आ चुका है, लेकिन बल्ब जल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। तो चलिए अब इसको खोल करके टेस्ट कर देते हैं। सब कुछ पहले हमने ये देखिए स्विच निकाल दिया है, ठीक है, उसके बाद इसका डिफ्यूजर निकाल देंगे। तो देख सकते हैं पानी तो इसमें नहीं घुसा है अभी तक। तो अब देखते हैं दोस्तों इसका स्विच लगा देते हैं, तो बल्ब प्रॉपर वर्क कर रहा है, चल रहा है। तो अब देखते हैं इसी पानी में सेम में क्या होता है। दोस्तों कंच का बल्ब तो खराब हो ही जाता है, लेकिन इसको देखते हैं अभी एमसीपीसीबी। तो दोस्तों जैसे ही मैं डाल रहा हूँ इसका कलर चेंज हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे। दोस्तों बल्ब तो चल रहा है, ये देख सकते हैं पानी में डालने के बाद भी ये चल रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं पानी में डालने के बाद भी, ठीक है अभी तक तो ये चल रहा है, बाकी हम इसे एक बार हटा के पानी इसका निकाल सकते हैं, पानी इसमें देखिए काफ़ी गया है, तो हम इसमें बड़े वाले में ही डाल के देखते हैं एक बार। तो दोस्तों ये तो बल्ब जो है वाटर प्रूफ है। तो दोस्तों ये इसमें पानी अब पहुंच चुका है, अभी अभी बंद हुआ है, जैसे ही मैं दोबारा डालने के लिए ऑन किया देखिए ब्लिंकिंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये बल्ब तो ख़त्म हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है इसके ड्राइवर में प्रॉब्लम आई है, एमसीपीसीबी इसकी बिल्कुल ओके है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद जो हम टेस्ट करेंगे आरसी ड्राइवर है जो कि हम बनाते हैं, मतलब हमने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं आरसी ड्राइवर, आप देख सकते हैं इस तरीके का आरसी ड्राइवर है, अब ध्यान से देखिए यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए एक पीएफ लगा हुआ है और 4.7 यूएफ का कैपेसिटर। तो इसको भी देख लेते हैं अभी ये भी ख़राब होता है कि नहीं, तो इसको भी डायरेक्ट ऐसे डाल देते हैं, तो सीरीज में ही इनका कंफर्म हो जाएगा और कोई झटका वगैरह भी नहीं लगेगा, कोई शॉक भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ग्लास में ही डाल देता हूँ सबसे पहले इसको,
एक साइड रख देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों प्रॉपर ग्लोइंग कर रहा है, ठीक है जी। तो देख सकते हैं ग्लोइंग कर रहा है। तो उसके बाद धीरे धीरे डालते हैं। तो दोस्तों ये तो बल्ब में जा नहीं रहा है, नीचे को इतना ही जा पा रहा है। तो बड़े वाले बोतल में डाल देते हैं इस डब्बे में। दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। देखिए ब्लिंकिंग तो नहीं कर रहा है, लेकिन इसका कलर चेंज हो रहा है तुरंत ही। देखिए देखिए जैसे डल रहा है हमें यहाँ पे, तो इसका कलर चेंज हो रहा है। वैसे तरह ही बाहर निकालने में सही चल रहा है। तो थोड़ा वो डालते हैं सर्किट तक। तो अब देखिए दोबारा से रोशनी इसकी कम हो जाती है, फिर तेज हो जाती है जैसे मैं अंदर डाल रहा हूँ उसका। तो यहाँ तक तो ये ठीक है। दो बार और तीन बार, तीन बार डाल दिया। प्रॉपर पानी अंदर जा चुका है, क्योंकि ये जो होल है दोस्तों, ये देख सकते हैं ये जो होल है, इस होल में को प्रॉपर पानी जाता है। देखिए आपको अगर नहीं दिखा तो मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों प्रॉपर चल रहा है, इस होल में को अंदर पानी जा चुका है। ठीक है, अगर मैं झाड़ू तो पानी देखिए इसमें से निकल रहा है, देख सकते हैं निकल रहा है इसमें से पानी। तो दोस्तों ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बल्ब हमारा आरसी ड्राइवर वाला तो कामयाब हो चुका है। तो इसे फिर खोल के देखेंगे लास्ट में कितना पानी इसमें अंदर गया था कि नहीं। अब हम चेक करते हैं DOB वाला, जो DOB है ड्राइवर ऑन बोर्ड। तो ये इसको कर देते हैं कनेक्ट। ये हो गई हमारी DOB चालू। और अब देखते हैं दोस्तों, तो तुरंत ही वही कंडीशन है, कलर चेंज हो रहा है, लेकिन ये भी चल रही है अभी तक। तो ऐसे देखते हैं थोड़ी देर डाल करके इस तरीके से। देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ तक का बल्ब, यहाँ इसमें दिखा देता हूँ आपको। इसमें यहाँ तक का बल्ब इसका अंदर पानी में है दोस्तों। तो अब भी ये वर्क कर रहा है, अब भी देखिए अच्छे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आई है। ठीक है, तो एक बार ग्लास में डाल करके देख लेते हैं, क्योंकि ये चला जाएगा, DOB का PP टाइप बोर्ड है दोस्तों। मैं ये नहीं बोलता है ख़राब नहीं होंगे, क्या पता कुछ टाइम बाद ये ख़राब हो जाएं। तो ये हमने छोड़ दिया और पानी में है, देख सकते हैं। तो ये पानी में है। तो दोस्तों DOB का भी कमाल ही है, DOB ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब बिल्कुल पानी में जाने के बाद भी चल रही है। ठीक है, और एक हमारा वो जो था ड्राइवर वाला वो ख़राब हो चुका है। एक बार ड्राइवर वाला को साफ करके दोबारा लगा रहा हूँ, कभी कोई और प्रॉब्लम आई हो। तो ड्राइवर वाला लगा दिया, अब करता हूँ उसको कनेक्टिंग। तो दोस्तों कुछ रिस्पांस नहीं दे रहा है, कोई रिस्पांस नहीं, ड्राइवर वाला हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब अत्य बारी दोबारा फिर आरसी ड्राइवर। तो दोस्तों ये रहा हमारा आरसी ड्राइवर वाला जो चल रहा था, तो इसे भी लगाता हूँ, कनेक्ट कर दिया है। देखते हैं पानी निकाल दिया इसका, तो देखिए अब भी ये चल रहा है। तो अब की बार इसे डबाता हूँ और देखते हैं फिर पानी कहाँ तक इसमें पहुँचता है। तो देखिए पूरा ऊपर डूब चुका है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब निकाल लेता हूँ और अब इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है, जैसे कि हमारे पास जो लाइट है ऑन है, तो इसीलिए देखिए अब मैं लाइट ऑफ करना हूँ, प्रॉपर वर्क कर रहा है, ब्लिंकिंग कुछ नहीं कर रहा है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ड्राइवर वाला फेल है और हमारा आरसी ड्राइवर वाला कामयाब है। तो आरसी ड्राइवर में देखिए इसमें पानी देख लेते हैं एक बार कहाँ तक गया है। ये देखिए दोस्तों पानी इसके अंदर तक है, ये देखिए, ये देखिए अंदर से पानी निकल रहा है B22 से। और ये सब कुछ मतलब कहने की बात ये है कि दोस्तों देखिए आरसी ड्राइवर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया कहाँ तक पानी इसमें गया है, DOB ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, पानी में भी ख़राब नहीं हुई है, लेकिन ये जो सर्किट वाला बल्ब था ये ख़राब हो गया है।
चलो छोड़िए इसकी हम बात ही नहीं करते, लेकिन हमारे आरसी ड्राइवर ने हाथ के बनाए हुए ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा एक सर्किट वाला तो गया, थैंक यू दोस्तों।